मांझी नगर पंचायत के दलन सिंह उच्च विद्यालय में किया गया पौधारोपण। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार सिन्हा ने विद्यालय परिसर में वन पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चों की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्राण वायु के लिए सभी लोग संकल्पित होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सुंदर माहौल के लिए प्रतिमाह एक पौधा लगाने की जरूरत है। इस अवसर पर सभी शिक्षक मौजूद रहे। मांझी से विदेश सिंह की रिपोर्ट। सर, आपके कैंपस में वृक्षारोपण आपके द्वारा किया जा रहा है, इससे क्या बेनिफिट है सर? सर, इसके हम लोग का उद्देश्य दो प्रकार से इसमें चल रहे हैं। एक तो हमारा वृक्षारोपण अभियान तो हमेशा चलते रहता है, हमारे यहाँ इको क्लब रन करता है। इको क्लब के प्रभारी हमारे श्री कुमार अमृत राज साहब हैं, शिक्षक हैं, और यूथ क्लब भी हमारे यहाँ रन करता है जिसके सुजीत कुमार माथुर साहब हैं उसके प्रभारी। और इतनी अच्छी बात है कि दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यूथ क्लब के बच्चे, इको क्लब के बच्चे दोनों मिलकर वृक्षारोपण स्कूल स्तर से भी करते रहते हैं। और सोने पे सुहागा तो ये है कि अभी वृक्षारोपण पखवाड़ा सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। ये शिक्षा विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये मेरी समझ से हर स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हर स्कूल के पास ऐसा देखा जा रहा है कि सभी पास फील्ड तो हैं लेकिन हरे भरे नहीं, तो वृक्षारोपण पखवाड़ा जो है वो स्कूलों के लिए अच्छा है। हम लोगों ने भी अपने यहाँ वृक्षारोपण पखवाड़ा के अंतर्गत और पहले भी हम लोगों ने वृक्षारोपण करवा रखा है, बड़े बड़े वृक्ष हैं हमारे पास। और साथ ही साथ इसमें भी हमने लगाया, अर्जुन का पौधा लगाया हमने, इधर जामुन का पौधा लगाया हमने, उधर ये आंवला का पौधा लगाया हमने। तीनों मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही साथ एक बड़ा वृक्ष के रूप में, जो बड़ा वृक्ष के रूप में आवे, वो हमने पीपल का पेड़ लगाया जो कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा प्रदान करने में सक्षम हो रहा है। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।